हेलो गाइस, कनाडा में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, और अगर आप इन जॉब्स के लिए ट्राई करते हो तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इनमें कंपटीशन कम है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इजी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। मोस्टली हम बात करेंगे हॉस्पिटल जॉब्स के बारे में। हॉस्पिटल्स में सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे जॉब्स रहते हैं जिनमें आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप अपनी कंट्री से भी इन जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड कैनेडा की सरकार बहुत सीरियस है हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर, और यहाँ पे आपको सबसे जल्दी जॉब्स मिल सकते हैं। और अगर हम टोटल बात करें तो आपको 80,000 से ज्यादा जॉब्स मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 27 ऐसी डेजिग्नेशंस बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप ट्राई करते हो तो आपको अपनी कंट्री से भी जॉब मिल सकता है हॉस्पिटल्स में। सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, हेल्थ केयर और मेडिसिन रिलेटेड भी बहुत सारे काम है। तो इन सब जॉब्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में भी बात करेंगे और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी मैं आपको जितनी भी डेजिग्नेशंस बताने वाला हूँ इनमें मोस्टली ऐसे जॉब्स हैं जिनमें आप अपनी कंट्री से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कनाडा में जॉब करना है तो आपको स्मार्ट तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। सो दोस्तों, अगर आप फिफ्थ पास या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हो तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने कैलिबर का जॉब ढूंढिए। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से जॉब्स है जिनमें एजुकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हर एक जॉब में आपको इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। भले ही आप थोड़ी बहुत ही इंग्लिश बोल पाओ, लेकिन उतना जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बतानी पड़ती है कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हो। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो आपको डे टू डे ट्रैवल आइटनरी बतानी पड़ती है। मतलब अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि 15 दिन तक आप क्या क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ स्टे करने वाले हो। और अगर आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हो तो आपको अपनी फ्लाइट की रिटर्न किट तक बतानी पड़ती है। इसमें आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप वर्क वीजा के लिए जा रहे हो तो आपको अपनी फ्लाइट की टिकट और जहां पे आप स्टे करने वाले हो उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है, और कौन सी कंपनी में आप काम करने वाले हो उसके बारे में बताना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट बतानी पड़ती है, और उसमें सफिशियंट फंड होना चाहिए दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इन कनाडा। तो अगर आप वर्क वीजा के लिए जा रहे हो तो वो $2,000 एंड अबव होता है। और अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हो तो आप जनरली $70 पर डे बताते हो। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में जॉब लग जाता है तो उसके बाद आपको अपना PCC करवाना पड़ता है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। एंड गाइस, वर्क परमिट का कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर ही पे करता है, और इसका कॉस्ट वेरी कर सकता है। अगर आप लीविया प्रोसेस से जा रहे हो तो $1,000 इसका चार्ज रहता है, और अगर आप किसी भी फास्ट ट्रैक प्रोसेस से जा रहे हो तो जनरली उसका कॉस्ट $235 रहता है। इसके अलावा आपकी एक बुकिंग फी लगती है जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक कॉस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं हाई डिमांड जॉब्स के बारे में कि कौन से ऐसे जॉब्स है हॉस्पिटल लाइन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, जिनमें अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि आपको कनाडा में कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CVN कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान में रखिए कि कॉम्पिटिशन भी रहता है, आप अकेले इंसान नहीं हो जो वहाँ पे अप्लाई करोगे, बहुत सारे लोग है जो सेम वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको अपना प्रोफेशनलिज्म बताना पड़ता है आपके CVN कवर लेटर के थ्रू। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं हाई डिमांड जॉब्स के बारे में। दोस्तों, सबसे ज्यादा डिमांड वाला जॉब है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, वो है केयर गिवर जॉब, जिसको हम केयर एड या केयर असिस्टेंट भी बोलते हैं। इसमें आपकी अवरली पे $20 से $40 पर आवर हो सकती है। इस काम में आपको नॉर्मल सैलरी से ज्यादा सैलरी मिलती है। तो केयर असिस्टेंट जनरली चाइल्ड केयर या एल्डरली केयर रहता है। तो जिस भी पेशेंट के आप केयर असिस्टेंट रहते हो तो आपको उनको दवाइयां टाइम पे देनी पड़ती है, देखरेख करनी पड़ती है, उनकी प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ता है, और ये आप ही की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपका जो पेशेंट है वो टाइम पे खाना खाए। दोस्तों, दूसरा काम है रिसेप्शनिस्ट का। रिसेप्शनिस्ट भी बहुत सारे प्रकार के रहते हैं। एक रहता है शिपर रिसीवर, जिसका मेनली काम रहता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, कि कितना सामान आ रहा है, कहाँ पे रखना है, कितना सामान जा रहा है, हर चीज के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट का काम रहता है जिसमें आपको पेशेंट की एंट्री करनी पड़ती है।
पड़ती है, फॉर्म वगैरह फिल करवाने पड़ते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पे है सिक्योरिटी ऑफिसर्स का काम। इसमें भी दो प्रकार के काम आ जाते हैं, एक है सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा है सीसीटीवी ऑपरेटर्स। इस काम में वर्क आवर्स ज्यादा रहते हैं जनरली और आपको पे भी अच्छी मिलती है, तो जनरली आपका 10 आवर्स का वर्क टाइम रहता है। फिर फोर्थ नंबर पे काम है फूड सर्विस एसोसिएट। तो फूड सर्विस एसोसिएट का काम ऑर्डर लेना और ऑर्डर को सर्व करना है। फिर एक काम आ जाता है लैब असिस्टेंट का। तो हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स रहते हैं, उन सब में ही लैब असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक्सरे मशीन के लैब असिस्टेंट हो तो आपको मशीन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पहले से प्रीरिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एफिशिएंटली काम कर पाओ और मल्टीपल पेशेंट्स को हैंडल कर पाओ। इसके अलावा गेस्ट सर्विस सुपरवाइजर्स की भी जरूरत पड़ती है। गेस्ट सर्विस सुपरवाइजर का काम रहता है हर जगह देखना कि कौन से बेड्स खाली है और पेशेंट्स को अपने बेड्स तक सही तरीके से एलोकेट करना और पहुंचाना। इसके अलावा एक काम रहता है प्री ट्रायल स्क्रीनर्स। जैसे ही आप हॉस्पिटल में एंट्री करते हो तो प्री ट्रायल स्क्रीनर आपका बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करता है। स्क्रीनिंग के बाद ही आप किसी हॉस्पिटल में एंटर कर सकते हो। इसके अलावा फार्मेसी कोऑर्डिनेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम फार्मेसी असिस्टेंट भी बोलते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल्स की खुद की फार्मेसी भी रहती है तो उनको जरूरत पड़ती है मल्टीपल फार्मेसी असिस्टेंट्स की। इसके अलावा क्लीनर्स के भी काम रहते हैं। अगर आपके एजुकेशन कम है तो आप हॉस्पिटल में क्लीनिंग का काम भी कर सकते हो। एक क्लीनर $18 पर आवर इजीली कमाई कर सकता है। इसके अलावा फार्मेसी और लैब टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है, जिनका काम रहता है ये सुनिश्चित करना कि सारी मशीनें ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए एक्सरे मशीन में कुछ इशू आता है तो टेक्नीशियंस का ही काम रहता है उसको वापस से रिपेयर करना। फिर एक काम रहता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। ये भी दो प्रकार के रहते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब कॉल्स वगैरह अटेंड करना और बैक एंड मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना। फिर रिक्रूटर्स की भी जरूरत पड़ती है, हर एक हॉस्पिटल्स में रिक्रूटर्स भी रहते हैं जिनका काम रहता है सही कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में कस्टोडियंस भी रहते हैं जिनका काम रहता है ये सुनिश्चित करना कि सारा एरिया क्लीन है या नहीं है। कस्टोडियंस एक प्रकार से सुपरवाइजर ही रहते हैं। इसके अलावा पार्किंग असिस्टेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, हर एक हॉस्पिटल में पार्किंग रहती है, वहां पे मल्टीपल पार्किंग असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। फिर ज्यादातर हॉस्पिटल्स की खुद की वेबसाइट्स रहती है तो उनका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे कंप्यूटर्स और मशीन्स रहती है तो इनको नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हर एक हॉस्पिटल में सेल्स ट्रेनिंग भी रहते हैं, ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट को सेल्स ट्रेनिंग भी मिलती है। इसके अलावा ज्यादातर हॉस्पिटल्स के खुद के वेयर हाउसेस भी रहते हैं तो वहां पे आपको वेयर हाउस एसोसिएट, पैकेजिंग ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वैन ड्राइवर, हर इंसान की जरूरत पड़ती है। फिर इलेक्ट्रीशियंस की जरूरत पड़ती है, हर एक हॉस्पिटल के खुद के 2 या 3 इलेक्ट्रीशियन रहते ही है। फिर कुक्स की भी जरूरत पड़ती है, हर एक कैंटीन में मल्टीपल कुक्स रहते हैं तो आपको ऐसे कैंटीन कुक भी काम मिल सकता है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट के भी काम रहते हैं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हो। तो गाइस अभी मैंने आपको जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स बताई, ज्यादातर केसेस में आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इन सर्टेन केसेस आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है जैसे लैब टेक्नीशियन या नर्सिंग असिस्टेंट्स के रूप में, या आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो जैसे जनरल प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो तो यहाँ पे लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इनके अंडर ऐसे असिस्टेंट काम करते हो, ऐसे ट्रेनी काम करते हो तो आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी डॉक्टर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो और आप किसी भी कैनेडियन डॉक्टर्स या जनरल प्रैक्टिशनर के अंडर आप ऐसे असिस्टेंट काम करते हो तो वो आप कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छी वेजेस मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट जॉब्स भी रहते हैं, मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइस अगर आप प्रॉपर डॉक्टर हो या नर्स हो या केयर गिवर हो तो आप हेल्थ एंड केयर वीजा से जा सकते हो, और अगर आप कोई दूसरे प्रकार का काम कर रहे हो जैसे कैंटीन में काम कर रहे हो, ऐसे क्लीनर काम कर रहे हो, ऐसे टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हो तो आपको जनरल वर्क परमिट की प्रक्रिया से ही जाना पड़ता है। तो वो या तो लीबिया प्रोसेस हो सकती है मतलब लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, जिसका प्रोसेसिंग टाइम 2 to 4 months रहता है, या फिर वो फास्ट्रैक प्रोसेस हो सकती है जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा, ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। और गाइस एक बार आपको कैनेडा में जॉब मिल जाएगा उसके बाद आपको अर्ली पीआर के भी रास्ते मिल जाएंगे, क्योंकि कैनेडा में बहुत सारे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम चलते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, आपके पास बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसमें आपको जल्दी पीआर मिल सकती है। अब क्या क्या मेजर रिक्वायरमेंट है, मतलब ये
चीजें तो होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी एजुकेशन 5th पास एंड अबव होनी चाहिए, तो आप पैकेजिंग वर्कर, वेयरहाउस एसोसिएट या क्लीनर के रूप में काम कर सकते हो। इन जॉब्स के लिए आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और फ्रेशर्स को भी जॉब मिलते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा काफी लोगों के सवाल आते हैं कि क्या मैं टूरिस्ट वीजा में जाके अप्लाई करूं या मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करूं। तो गाइस 90% ऑफ द जॉब्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में ही मिलते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करिए। जॉब बैंक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप कनाडा को टारगेट कर रहे हो तो। इसके अलावा आप लिंक्डइन से भी ट्राई कर सकते हो और इंडीड से भी कर सकते हो ट्राई। ये 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इनसे आप ट्राई करिए। टूरिस्ट वीजा में जाके जॉब ढूंढना मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनके पास पहले से ही थोड़ी सेविंग्स है, क्योंकि खर्चा लगेगा अगर आप टूरिस्ट वीजा में कनाडा में जाते हो और थोड़े टाइम तक रुकते हो तो। एंड गाइस आपको जॉब्स को अप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर की जरूरत है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कॉम्पिटिशन भी रहता है, और आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब्स में ट्राई करिए। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा से जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ, और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।